जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। और अभी हमारा चल रहा है इसमें भारतीय संविधान, जिसका हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये 13वां एक्सरसाइज है, मूल कर्तव्य, काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, तो तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमने अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे, मीन्स मैथ वाला चैनल है वो, उस पर हम RS अग्रवाल का मैथ स्टार्ट किए हैं, न्यू एडिशन 2020 वाला है। तो अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ से अभी शुरू से देखना शुरू करो। मैं 1 से 2 महीने में उस बुक को कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने का, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है USSR से, मीन्स पूर्व सोवियत संघ से। USSR से मीन्स रसिया, समझ लो, ठीक है ना, पूर्व सोवियत संघ मीन्स रसिया से। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे था? तो इसने मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था, मीन्स भारतीय संविधान में जोड़ लिया गया था? तो 1976 का था, उस टाइम में मीन्स प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है वो कब निर्धारित किया गया? तो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ दिया गया। इस सेंटेंस को याद रखो। 5वां प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, फंडामेंटल ड्यूटी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? उस टाइम किया गया 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कम समाविष्ट किया गया, तो मूल कर्तव्य 1976 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया, जो रसिया से लिया गया। आगे प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 51 के क में। ओके, इसका मतलब क्या हुआ गया, भाग 4 के क में, ठीक ना, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में या 51 के ए में लिखा जाता है, जो मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? ये जोड़ा गया है भाग 4 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। भारत के अनुच्छेद के, सॉरी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य का चर्चा अनुच्छेद 51 ए में या कहीं कहीं अनुच्छेद 51 क लिखा रहा था, तो उस पर टिक कर लेना। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, जो पहले कितना था, 10 मूल कर्तव्य था। ओके, वर्तमान का पूछे तो 11 मूल कर्तव्य, पहले कितना था, 10 मूल कर्तव्य था। मूल कर्तव्य जो मेनली जब आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यह था 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर ए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन मेनली क्या था? तो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ही मूल कर्तव्य लाया गया। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य किसके लिए लिया गया? तो सभी नागरिकों के लिए। संविधान में कुछ भी है तो वो हम भारत के लोग के लिए, सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को क्या मिलेगा? तो उससे दंड मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है उसको अगर आप हनन करते हो तब आपको दंड मिलेगा, वो मानना पड़ेगा, लेकिन मौलिक कर्तव्य, ठीक ना, अगर आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो ये सब मूल कर्तव्य की बात है, तो अनुच्छेद 51A में ही दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है ये हमारा मीन्स प्रस्तावना में लिखा गया है, ये मूल कर्तव्य में नहीं है। मूल कर्तव्य में है संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये सब क्या है मूल कर्तव्य है। ओके, जैसे देखो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, ट्रेन की रक्षा हमको करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे तो हमको कोई पकड़ के जेल में नहीं डाल देगा, ठीक ना, तो ये इसके लिए दंड नहीं है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये हमारा क्या है कर्तव्य है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि क्या सब है, तो आम भाईचारे की भावना का उजागर करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये सब क्या है मौलिक कर्तव्य है। आगे प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपका धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना मीन्स हिंसा करना छोड़ दो, और भारत की सार्वभौमिकता एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये सब मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, तो इसमें से जैसे भारतीय राष्ट्रगान जो है या ध्वज है उसका सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण और परिरक्षण, ये सारे कथन सही है मूल कर्तव्य के अकॉर्डिंग, तो आंसर नंबर डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया गया है, तो 51 का क में ये दिया गया है मूल कर्तव्य, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है, मीन्स मूल कर्तव्य में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि क्या सब है, तो देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, तो ये सब मूल कर्तव्य में शामिल है। टोटल 24 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।